करो शादी, पहले मिली थी कमला देवी, अब की मिलेंगी उर्मिला देवी। कमला ने कमाल खूब किया था। ये जिसको तुमने अपना मान रखा है, ये तुम्हारा परमानेंट नहीं है। विवेकवान इसलिए अपने धन को परमार्थ में भी लगाता है, धर्मार्थ में भी लगाता है, अपने शरीर को भी जनसेवा में लगाता है, देश सेवा में लगाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है जितना परमार्थ में लगा दूंगा उतना ही मेरा पुण्य मेरे साथ जाएगा, बाकी तो सब इधर का इधर ही रह जाएगा। परमार्थ के लिए भी समय निकालो, धर्म के लिए भी समय निकालो। सिख समाज में गुरुद्वारा का निर्माण होता है तो ऐसा कोई सिख समाज का व्यक्ति नहीं होगा उस जिले में जो वहां जा करके कुछ काम न करता। और सिख समाज का नियम है जब सत्संग सुनने जाते हैं गुरुद्वारा में तो सबसे पहले मत्था टेकते हैं सामने, और मत्था टेक करके जो भी उनकी श्रद्धा है तो दान डिब्बे में दान डालते हैं, उसके बाद यथास्थान बैठकर सुनते रहते हैं। इसलिए सिख समाज का कोई व्यक्ति आपको भिखारी नहीं मिलेगा, भीख मांगता नहीं मिलेगा। भीख मांगने वालों में नंबर एक मुसलमान है और नंबर दो हिंदू है, और कितनों लोगों ने तो भीख मांगने का धंधा ही बना लिया है। जरूरत नहीं है पर धंधा है, मांगते रहते हैं। और ये भीख मांगना हमारे भारत देश का बहुत बड़ा कलंक है। आदमी ऐसे हाथ पांव और आदमी जैसी काया, और फिर भी तू भीख मांगने क्यों आया, कुछ काम कर। और इस दुनिया में इतने काम हैं, करने वाला होना चाहिए। कुछ काम करो, कुछ काम करो, न रहो न निराश करो मन को। विदेश के लोग घूमने आते हैं, मैं हांगकांग गया वहां एक भी भिखारी नहीं मिला, मैं दुबई गया वहां कोई भिखारी नहीं मिला, मैं इंडोनेशिया मलेशिया थाईलैंड गया श्रीलंका गया वहां श्रीलंका में भिखारी मिले, बाकी भिखारी नहीं मिले। क्योंकि श्रीलंका का लगभग सिस्टम भारत जैसा ही है, खाली समुद्र है बीच में, बाकी यही मॉडल है वहां। भारत जैसी गंदगी, भारत जैसी बातचीत, अब भारत जैसे लोग लंका में मिलते हैं। मैं वहां ढूंढ रहा था कि कोई 10-30 वाला मिलेगा क्या, तो कोई नहीं मिला, सब एक खोपड़ी है। केवल रावण के 10 खोपड़ी थी, क्या किसी आदमी के 10 खोपड़ी हो सकती, 10 खोपड़ी तो हो ही नहीं सकती, तो रावण के थी कैसे, 10 खोपड़ी नहीं थी, 10 खोपड़ियों की बुद्धि एक खोपड़ी में थी, इतना रावण के पास दिमाग था, बहुत ब्रिलियंट टैलेंट रावण था, साधारण बुद्धि का नहीं था, चारों वेदों का ज्ञाता था। वेद पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन वेद को आचरण में उतारना वो सबसे अच्छी बात है। प्रवचन सुनना बहुत अच्छा है, इसको आचरण में उतारना सबसे अच्छा है। और सुनने में इतना आनंद आता है तो आचरण में उतारोगे तो कितना आनंद आएगा सोचो। दानी मनुष्य कभी दरिद्र नहीं होता है, परोपकार करने वाला कभी भिखारी नहीं बनता है, दूसरों की सेवा करने वाला कभी असमर्थ नहीं होता है।
निर्बल को सहयोग देने वाला हमेशा सबल बना रहता है, दूसरों का ख्याल करने वाला कभी ठोकरे नहीं खाता है, सबका ध्यान रखने वाला कभी भी खाली हाथ नहीं रहता है, और दूसरों के खाने पीने की फिक्र करने वाला कम खाने से भी खुश रहता है। खिला कर खाए उसे खुदा समझिए और चुरा कर खाए उसे जुदा समझिए। कितनी महिलाएं भोजन बनाती हैं और साथ में खाती भी हैं, ये कलयुग में बड़े विचित्र लोग हैं, भजिया बना भी रहे हैं भजिया खा भी रहे हैं। उनका पति कहता है तुम कब खाओगी, उन्होंने कहा हम तो बाद को देख लेंगे, देख लेंगे इसलिए खा तो चुके, पेट तो भर गया, अब देखने बचा। खाते समय खाओ मत, खाते समय बनाओ मत, बनाते समय खाओ मत, जूठे हाथे भोजन छुओ मत, और भोजन खाते समय बातें मत करो, शांत बैठो, मंद मंद मुस्करा कर खाओ, चेहरे पर टेंशन गुस्सा क्रोध ना हो। अपना सौभाग्य मनाओ कि इतना अच्छा मेरा मकान है। आज मैं कह रहा था अपने संत जी से कि क्या मेरा सौभाग्य है, वो राजू भाई विजय भाई ने इतना अच्छा मकान बनाया, इतने अच्छे कमरे में रखा, अगर किराए से लेते तो 2000 रुपये रोज में मिलता और 4 दिन रहूँगा तो 8000 का तो यही फायदा है, और ये कमरा भी कम से कम 5 लाख में बना होगा क्योंकि इतना डेकोरेट है। तो मेरा संत बोला ऐसे रहते रहते आपको 30 साल निकल गए, तो हमने कहा अपन तो फोकट में ही रहकर जिंदगी निकाल दिया बनाना ही नहीं पड़ा, अभी मैं आश्रम बनाकर उसमें रहता भी नहीं, मेरे गुरु ने बनाया उस कमरे में रहता हूँ और भक्तों के यहाँ रह लेता हूँ, धीरे धीरे फिर बना देंगे। मैं धन्यवाद दिया राजेंद्र भाई को, वाह कितना अच्छा बनाया है। आप अपने घर को भी स्वीकार कीजिए और धन्यवाद दीजिए अपने माता पिता सास ससुर को कि आपने बहुत अच्छा बना दिया। धन्यवाद दो अपने पति को कि आपने बहुत अच्छी मेहनत करके बनाया है। जिसके पास में संतोष नहीं है वो किसी को धन्यवाद भी नहीं दे सकता है। अपने आप को सेटिस्फाई करना सीखो, मकान में भी, गाड़ी में भी, साड़ी में भी, आभूषण में भी, किचन में भी, जो है उसमें अपने आप को संतुष्ट कीजिए और जो और जरूरत है उसके लिए पुरुषार्थ प्रयास कीजिए, और प्रयास पुरुषार्थ से ना मिले तो उसको त्याग कीजिए तो तुम्हें शांति मिलेगी। जो है उसका आनंद नहीं लेते हो, जो नहीं है उसकी टेंशन में पड़े रहते हो। कितने घरों में यही झंझट बहुत खड़ा हुआ है। हर स्त्री को चाहिए कि जो उसके घर में है उसमें खुशी मनाए कि बहुत अच्छा है। गुजरात में एक सज्जन मुझे मिले, बोले मेरी गाड़ी में आपको बैठना है। मैंने कहा बैठूं, तो जब मैंने बैठने गया तो उनकी गाड़ी की सीटें उखड़ी हुई थी, उसका जो स्पंज था उखड़ा था, तो मैंने कहा स्पंज उखड़ा है, बोले गाड़ी बहुत टाप की है। कितने वर्ष पुरानी है, बोले 20 साल पुरानी है। तो मैंने कहा कुछ इसमें चेंज किया, तो बोले कुछ भी चेंज नहीं किया है, मैं भी वही, गाड़ी भी वही, अब पहली बार आपके चरण पड़ जाएंगे तो और 10 साल चलेगी।
तो मैंने कहा 20 साल इसको आपने चलाया, कहीं लड़ी? बोले ना गाड़ी लड़ी ना मैं लड़ा, मैं भी लड़ता नहीं, गाड़ी लड़ती नहीं, मेरे अहंकार नहीं, आराम से चलाता। तो मुझे बिठा कर वे 30 किलोमीटर ले गए, तो मैं अपनी गाड़ी से उतर गया। बोले गुरुदेव इसी में आनंद मानता हूँ। तो मैंने कहा करते क्या हो? बोले 2 फैक्ट्री का मालिक हूँ। तो मैंने कहा इतनी थर्ड गाड़ी क्यों? बोले पैसा फैक्ट्री में लगाता हूँ, गाड़ी कौन देखता गुरुदेव, फैक्ट्री चलेगी तो पैसा आएगा तो मकान भी बन जाएगा, गाड़ी में बहुत पैसा लगा दूंगा बार बार तो फिर और क्या करूँगा, फैक्ट्री लगा दिया। तो मैंने कहा नई लिया था कि पुरानी? बोले बिल्कुल न्यू लिया था। अगर सेकंड हैंड खरीदना है तो बैल खरीदो, सेकंड हैंड बैल लेना चाहिए, और गाड़ी लेना है तो फर्स्ट हैंड लो, नई लेना चाहिए। और याद रखना गाड़ी भी लो तो अच्छी गाड़ी लो, क्योंकि तुम गाड़ी से ज़्यादा कीमती हो। ये जितनी सस्ती गाड़ियाँ इनके ब्रेक नहीं लगते सही, घिसट जाती है। तुम्हारी सुरक्षा रहे, तुम्हारा शरीर सुरक्षित रहेगा तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। और ये भी याद रखना भौतिक उन्नति करने के साथ साथ अध्यात्म को भी भूलना मत। गुजरात के लोग सुखी क्यों रहते हैं? कितने बड़े फैक्ट्री मालिक हों लेकिन समय निकाल कर सत्संग सुनते हैं। महाराष्ट्र के लोग आधा सुखी आधा दुखी क्यों हैं? क्योंकि आधा समय निकालते आधा नहीं निकालते, इसलिए यहाँ आधा सुख है आधा दुख है। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत दुखी क्यों हैं? क्योंकि सत्संग में जाते ही नहीं। उत्तर प्रदेश का आदमी तो ऐसे बोलता है कि जो महाराज जी सुना रहे हैं ये तो सब हमको मालूम ये तो हम महाराज जी को सुना सकते हैं ज्ञान, ऐसा बोलता हो, और उसके बाद शाम को दारू पीता है, ज्ञान सब है, कहता है संसार में कुछ नहीं है सब बेकार है, और शाम को दारू पीता है तो कहता बस जो कुछ है दुनिया में केवल दारू है और कुछ नहीं। ये कोई ज्ञान है? केवल अहंकार है। गाड़ी में किसी महान पुरुष के चरण पड़े, आपके नए मकान में किसी महान संत का चरण पड़े, आपके प्रतिष्ठान दुकान बिजनेस सेंटर में उनके चरण पड़े, इससे बहुत कुछ बदलाव आता है, बहुत प्रभाव बदलता है। आज हमारे भक्त श्री सखाराम घोर पड़े, संजय राव चांगुल पाए, औरंगाबाद से पिंपरी राजा से आए, उन्होंने कहा गुरुदेव मेरी गाड़ी में बैठना। तो मैंने कहा कौन सी गाड़ी है? बोले क्रेटा। तो मैं बैठ गया, उसमें बैठा तो संतों ने तुरंत उसमें माला लगा दिया। तो बोले देखो गुरुदेव के पधारते ही गाड़ी का कितना सम्मान बढ़ गया, उन्होंने कहा। और फिर बैठ कर मैं यहाँ आया, और वे जब आते हैं मेरे लकड़ी के जो चरण पादुका हैं दोनों हाथ से ले लेते, दोनों हाथ से लेकर के ऐसे चलते हैं, गाड़ी के आगे रख लिया पादुका। गुरुदेव के चरणों से प्रेम तो है ही, लेकिन उनके चरण पादुका से भी प्रेम है। पादुका आसन सय्याद गुरुड़ा यद अभिष्टतम नमस्कुर्वीत तत्सर्वम पादाभ्याम न अस्प्रशेत कोचित। भगवान श्री राम से भरत जी ने क्या मांगा था? चरण पादुका ही तो मांगा था। और चरण पादुका लेने के बाद भरत सिर पर रख कर चरण पादुका लाते हैं और चरण पादुका की ही पूजा करते हैं 14 साल तक। चरण नहीं तो चरण पादुका सही, और चरण पादुका मिल गए तो चरण मिलेंगे, और चरण मिलेंगे तो आचरण भी मिलेंगे, और आचरण मिलेंगे तो संसार में कहीं भी चरण करो आपके विचार कोई गंदे नहीं हो सकते।
अर्जुन निराशा में डूबे हुए हैं। अर्जुन जैसा गांडीवधारी व्यक्ति भी निराशा में डूब जाता है और निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। आदमी का शरीर जिंदा तो रहता है, सांस तो चलती है, पर कर कुछ नहीं पाएगा, निराश हो गया, जिसको इंग्लिश में तुम कहते हो डिप्रेशन में चले गए। कभी निराश मत होइए। तुम निराश होगे तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, तुम निराश हो जाओगे तुम्हारे बिजनेस को कौन संभालेगा, तुम निराशा में डूब जाओगे तुम्हारे सिस्टम को कौन चलाएगा, तुम निराश हो जाओगे तो ये व्यवस्था सब कौन देखेगा, तुम निराश हो जाओगे पत्नी बच्चे परिवार कौन संभालेगा। निराश मत हो। और मनुष्य निराश क्यों होता है? कभी बिजनेस में बहुत हानि हो गई तो निराशा में डूब जाते हो तुम, कभी चुनाव हार गए तो तुम निराश हो जाते हो, कभी टिकट कट गया, टिकट नहीं मिला चुनाव में, तो तुम निराश हो जाते हो, 10 बार IAS की परीक्षा दिया फेल होते चले गए तो निराशा आ सकती है। जिस लक्ष्य को पाना चाहते थे 10 साल हो गए प्रयास करते, लक्ष्य नहीं मिला, निराशा आ सकती है। यह जिनके लिए तुम कठोर मेहनत कर रहे हो और उनका व्यवहार उल्टा पलटा है तो तुम निराश हो सकते हो। अभी अहमदाबाद में मैं गया था गुजरात में, तो एक परिवार का मालिक निराशा में डूब गया। घर के लोगों ने कहा इनको न जाने क्या हो गया, निराश हो गए, डिप्रेशन में, अब कुछ काम भी नहीं करते, बोलते भी नहीं। तो मैंने पूछा बात क्या हुई, बोले मेरे पास कोई बात ही नहीं है, जो बात है वो फैमिली की बात है। तो मैंने कहा क्या बात है, बोले मेरी वाइफ बहुत फिजूल खर्ची करती है इसलिए मैं निराश हो गया, मेरा भाई आलसी है काम नहीं करता इसलिए निराश हो गया। तो मैंने कहा निराश होने से क्या तेरी पत्नी सुधर गई, बोले सुधरी नहीं है पर वो भी टेंशन में तो पहुंची गई, और तेरा भाई बोले वो भी चिंता में पड़ गया है। तो मैंने कहा तुझे क्या फील हो रहा है, बोले मैं रजाई के अंदर सोते समय हंसता हूँ कि अब तुम भी झेलो, खाली हम ही झेलते थे इसलिए खुश हो। याद रखना, तुम्हारे घर में कोई आलसी है तो उससे प्रभावित होकर के तुम निराश मत होना। तुम्हारे घर में कोई एक व्यक्ति फिजूल खर्ची करता है तो उससे नाराज होकर के तुम डिप्रेशन में मत जाना। समझाने का प्रयास तो कीजिए लेकिन निराशा में मत डूबिए, क्योंकि सबका बिलक बिलक स्वभाव होता है। आज अर्जुन निराश होकर के बैठ गया है, भगवान कृष्ण उसको आत्मज्ञान करा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में 700 श्लोक की गीता बोली जा रही है, अभी भी बहुत से लोग गीता का पाठ करते हैं। इसमें ऐसे कितने लोग जो गीता का पाठ करते, जरा हाथ ऊंचा करें। बिल्कुल, गीता का पाठ करते हैं, उनका कुछ न कुछ तो मोह भंग जरूर हुआ होगा। नष्टो मोहा अस्मृतिर लब्धा, गीता मोह को नष्ट कर देती है। फिर ऐसे रहोगे संसार में जैसे जल में कमल रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, न जायते मृते वा कदाचिन नायं भूत्वा वा भविता भूयः अजो नित्यः शास्तो अयं पुराणो न हन्नते हन्निमाने शरीरे। अर्जुन, जिसका कभी जन्म होता नहीं और जिसकी कभी मृत्यु होती नहीं,
और जिसका कभी जन्म हुआ नहीं और जिसकी कभी मृत्यु हुई नहीं और जिसका जन्म हो सकता नहीं और जिसकी मृत्यु हो सकती नहीं, जो शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो शरीर की मृत्यु होने से भी मरता नहीं है, उस तत्व का नाम आत्मा है और वही तुम आत्मा हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो। अर्जुन, मोह क्यों करते हो? ये सब शरीरों के मोह में क्यों पड़े हो? अर्जुन को थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ। ज्ञान होना बहुत कठिन है। कभी कभी तुमको दो दिन ज्ञान रहता है, तीसरे दिन फिर अज्ञान आकर घेर लेता है। जब किसी मुर्दे को दफनाते हो तब तुम्हें ज्ञान हो जाता है थोड़ा। गर्भ में जब ये जीव रहता है ना, तब ज्ञान होता है वहां के दुखों से। जब तुम वैराग्य की कथा सुनते हो तब ज्ञान थोड़ा हो जाता है, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद ज्ञान फिर साइड हो जाता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नमानि देहि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा नया शरीर धारण कर लेता है। कपड़ा बदल जाता है, कपड़ा पहनने वाला नहीं बदलता है। शरीर चेंज होता है, आत्मा चेंज नहीं होता है। तुम आत्मा हो, इसको मारा भी नहीं जा सकता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र से छेदन नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता और न आग में जलाया जा सकता है, न पानी से भिगोया जा सकता है और न तो हवा से सुखाया जा सकता है। ऐसा आत्मा का स्वरूप है और वो आत्मा हर शरीर में अलग अलग विद्यमान है। यहाँ जितने शरीर बैठे हैं सबके भीतर एक एक आत्मा बैठा हुआ है और ये आत्मा से सिद्ध होता है एक माता पिता के तीन पुत्र हैं, तीनों का नेचर अलग अलग, लेक्चर अलग अलग, इंटरेस्ट अलग अलग, विचार अलग अलग, पसंद अलग अलग, स्वभाव अलग अलग। एक बेटा बहुत साफ सुथरा रहता है, दूसरा गंदगी में ही रहता है, तीसरा गुस्सा बहुत करता है, पहला वाला लालची बहुत है, दूसरा वाला अहंकारी है, माता पिता के भी पैर नहीं छूता, झुकना ही नहीं चाहता, तीसरा वाला पैरों में मस्तक रख देता है, पहला वाला झूठ बोलता है, दूसरा वाला अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्रियों में आकर्षित होता है, तीसरा वाला एक पत्नी व्रत का पालन करता है, माता पिता की सेवा भी करता है। ये अलग अलग क्यों हो गए? जब एक ही माता पिता के रज और वीर से उनके शरीर का निर्माण हुआ है तो इनके विचारों में, स्वभावों में, रुचियों में अंतर क्यों? ये अंतर इसलिए है क्योंकि शरीर तो एक ही माता पिता से निर्मित हुआ है लेकिन आत्मा अलग अलग से आया है।
तो उस आत्मा की लक्षण अलग अलग दिखते हैं। कई बार माता पिता से विलग स्वभाव का बच्चा पैदा हो जाता है। पिताजी बहुत बुद्धिमान हैं और बेटा बुद्धू पैदा हो गया। माँ बहुत होशियार है और लड़की मूर्ख पैदा हो गई। ये क्या गड़बड़ हो गया? चेहरा तो मिलता जुलता है लेकिन चरित्र में फर्क आ गया है। माता पिता कुछ लक्षण उनके भी दिखाई दे रहे। राजस्थान में एक सज्जन कह रहे थे कि मेरा बेटा जब से जवान हुआ है तब से कभी पैर नहीं छुआ है। तो मैंने कहा उससे पूछ लो क्यों नहीं पैर छुआ। बोले पूछ लिया तो क्या उत्तर दिया? बोले कहता है कि पैर छूने में मुझे बहुत दुख होता है। क्या दुख होता है? बुलाओ उसको। तो बुलाया तो मैंने पूछा तो बोला कि पैर छूने में मेरे अहंकार को ठेस लगती, चोट लगती, मैं क्यों झुकूं? ये कौन होते हैं? मैंने कहा तेरे बाप हैं और कौन होते, इतना नहीं जानता था। बोले बाप है तो मैं क्यों पैर छूं, ये मेरे पैर छू ले तो तो हमने कहा ये रावण पैदा हो गया, ये नहीं संभलेगा। बोले गुरुदेव हम अपने माता पिता के रोज पैर छूते हैं, ये सीखा ही नहीं, पता नहीं क्या है। तो मैंने उसको समझाया 10 मिनट, तो उसने पैर छुआ और पैर छुआ तो उसे पसीना आ गया, फूट के बाहर निकला और पसीना पोंछा। तो मैं जब बाहर गया तो मिला, बोले जिंदगी में सबसे कठिन काम आज आपने करवाया है, मैं पैर नहीं छूता हूं। क्या बड़ी बात है। अज्ञान जब चरम सीमा पर पहुंचता है तो अहंकार की ऊंचाई एवरेस्ट और हिमालय से भी अधिक हो जाती है, और ज्ञान का सागर जब लहराता है तो याद रखना नम्रता की गहराई समुद्र से भी अधिक हो जाती है। या ज्ञान का परिचय है अहंकार का होना। झुकना एक कला है। राजनीति करने वाले सबको हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, वोट मांगते हैं, सबको दादाजी भाई साहब कहते हैं, उसके बाद वे बड़े पद पर पहुंचते हैं। जब मिनिस्टर बन जाते हैं तो सब लोग उनको माला पहनाते हैं। पहले खुद झुक गए और मिनिस्टर बन गए, फिर सभी लोग उनको झुक गए। झुकने वाले को ही सभी झुकते हैं और झुकने वाले ही बड़े बनते हैं, और जो खुद झुकना जानते हो सबको झुकाते हैं, और झुकना आ गया तो पूरे संसार को झुकाना आ जाएगा। झुक जाओगे तुम तो संसार झुक जाएगा तुमको। मनुष्य एक समझदार प्राणी है, अच्छी बात सुन करके इसके दिमाग में परिवर्तन होता है। इसलिए अपने गांव में अपने शहर में सत्संग कराना चाहिए। यहां हमारे बहुत आयोजक भक्त आए हैं जिन्होंने मेरा प्रोग्राम कर चुके हैं। औरंगाबाद से सखाराम घोरपड़े, संजय राव चंगुलपाए खड़े हो, औरंगाबाद में बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया था। ये दो भक्त वहां से आए, बहुत श्रद्धा इनकी। सत्संग मीराबाई को मिल गया तो मीरा महान हो गई, सत्संग शिबरी को मिल गया शिबरी महान हो गई, सत्संग राम को मिला तो राम भगवान हो गए, सत्संग कबीर को मिला तो कबीर सदगुरु संत हो गए, सत्संग स्वामी महावीर को मिला 24वें तीर्थंकर भगवान जैन धर्म के हो गए, सत्संग हमें मिला, सत्संग तुम्हें मिला, तुम सज्जन हो गए, सत्संग हमें सुधारता है, स्वभाव को बदल देता है,
वाणी का संशोधन कर देता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये संसार का मोह मत करो, ये संसार आज जो दिख रहा है ये कल नहीं रहेगा, और जो कल था वो आज नहीं है, और कल जो होने वाला है वो अगले दिन नहीं रहेगा। प्राणी पदार्थ सब परिवर्तनशील है, तुम अमर आत्मा हो, अपनी आत्मा के लिए कुछ करो। ये संसार के मोह में बंधकर, ये माया की गुलाम बनकर जीवन को व्यर्थ मत कमाओ। अर्जुन धनुष बाण उठा लो, ये सामने जो पापी लोग खड़े हैं इनको खत्म करो, ये अधर्म की सेना है, तुम धर्म के रक्षक के रूप में पैदा हुए हो। ये कौरव तुम्हारे चचेरे भाई नहीं है, ये सब अधर्मी हैं, इन पे अब तुमको बाण छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान के बाणों से अधर्म के कौरव दल को मारा जाता है। अर्जुन उस व्यक्ति का नाम है, अर्जुन का अर्थ होता है अर्जन करना, अर्जन का अर्थ होता संग्रह करना, संग्रह का अर्थ होता कलेक्शन करना, कलेक्शन का अर्थ होता इकट्ठा करना, इकट्ठा करने का अर्थ होता एकत्र करना। जो सब जगह से अच्छे अच्छे गुणों को अर्जित करता है, नए नए गुणों को, नई नई कलाओं को अर्जित करता है, उसका नाम अर्जुन होता है, उसका नाम अर्जुन होता है। सात वर्ष सुर पुरहि सिधाए, देव अस्त्र सब सीखकर आए। अर्जुन सात वर्ष इंद्रलोक में देव अस्त्र सीखने गए थे। जीवन भर सीखो, और सीखने वाले को तो पूरी सृष्टि सिखा रही है, और जिसको सीखना ही नहीं है उसको ब्रह्मा जी भी सिखा नहीं सकते, पशु पंछी भी सिखाते हैं। आज मैं गया था गार्डन में भ्रमण करने, तो यहाँ एक छोटा सा कुत्ता था, बड़ा सुंदर मुंह था उसका, पूंछ भी सुंदर थी। तो मेरे संत के पास में एक परिक्रमा किया और उस संत को छू लेता था वो कुत्ता। तो मैंने सोचा ये बड़ा चतुर है, ये संत को क्यों छूता है। वो संत को छूकर प्रेम बनाता था कि व्यवहार हो जाए, प्रेम हो जाए, प्रेम कर लेता था। कुत्ता भी